नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन्यत ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और आज बहुत स्पेशल दिन है। आज मेरी बिटिया का बर्थडे है, सोना का बर्थडे है, और हम तीन इस समय घर पे हैं। और तो बहुत सारे सुबह के काम हो गए हैं और बहुत ही सारे अंदर से बाहर तक मैंने पूरी साफ सफाई करी है। झाड़ू पोछा, बर्तन, बाथरूम, पोछ, बाहर सब कुछ छोड़ तक। और आप नहा के आई हूँ और चलती हूँ ऊपर जल चढ़ाने। सबसे पहले कुछ जल्दी से, नीचे बारिश हो रही है, मेरा मोबाइल भीग जाएगा। मैं आपका भी मेरे बर्तन नहीं बोल सकता। सुबह गए हैं पोहे, बिरयानी भून गए हैं और मेरे को पड़ गया है प्याज, राई। क्या नहीं, कुटनी कुटनी को कौन नहीं ले आई। हमारे मिस्टर की स्पेशल यूनिफॉर्म, उनकी फेवरेट बनियान। तो खाना बनने लगा है फ्रेंड्स हमारा, और दाल बन गई है, मतलब अभी दोपहर का खाना दाल बन गई है और चावल ने धुल के रख दिया है। लेकिन मैंने सोचा साथ साथ में कुछ काम भी शुरू कर देती हूँ। तो काम शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले दूध गर्म किया, खीर बनाने जा रही हूँ। और रायता भी समझ लो मेरा बन ही गया, मैंने घोल उल के बस केवल नमक डालना है रायते में और तड़का डालना है। जीरा हींग का तड़का डाल दूंगी, रायता तैयार हो जाएगा और खीर बना के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं छोले उबालूंगी, इस तरीके से मेरे काम शुरू होंगे। तो इसके पेज ढीले हो जाते हैं, कितनी बार मैं पेज लगाऊं, पुराना कुकर है, पेज ढीले हो जाते हैं। तो सबसे पहले खीर के लिए मैंने चावल भिगो दिया था। अब मैं लौंग और इलायची इकट्ठा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इलायची को इसमें डाल के कूट लेती हूँ और ये घी सबसे पहले अपने पास रख लेती हूँ। एक स्पैचुला यानी कि कलछली चलाने के लिए, तो एक से मैंने दूध को चला दिया है, एक से मैंने रायते को चला दिया है, दो भी हैं मेरे पास, तो मैं इससे काम चला लेती हूँ फिलहाल। तो घी डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि दो चम्मच के करीब। बहुत ज्यादा घी नहीं डालने की जरूरत है इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि मेरा 2 लीटर यहाँ पे है और 1 लीटर मैंने मंगवाया है, यानी कि टोटल 3 लीटर की खीर फुल फैट की बनने वाली है। ये ताजा दूध है, अभी आया था। खीर में लौंग नहीं डालते हैं, मैं डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है। बाद में निकाल देती हूँ क्योंकि मुंह में जब पड़ता है तो नहीं अच्छा लगता है लौंग का दाना, और जब ऐसे ही होता है मतलब इसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। तो सारे दाने निकाल देती हूँ, छिलका नहीं डालती। सीटी लगाने के लिए पानी डालूंगी, अगर मैं दूध डालूंगी पहले से ही तो ये उबाल में फेंक देगा पूरा बाहर, इसलिए पानी है। अब इसमें लगाऊंगी सीटी। अब दूध भी हमारा उबल चुका है, देखिए। तो आज रोटी नहीं बनी है, दाल चावल और साग हम लोग खा रहे हैं। तो भाई हमारे बन गए हैं छोले, गर्मा गर्म मैं दिखा दूं क्या आपको? चलो दिखा, रहता दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया सा। और ये खीर,
और ये छोले भी बन गए हैं। छोले मैं दिखा देती हूँ, पास से दिखा देती हूँ। छोले चला के देखते हैं भैया। पानी कुछ ज्यादा ही है, पतले बन गए क्या? पतले नहीं बने, ऐसे इतने गाढ़े तो होने ही चाहिए। हाँ चल ठीक। पहले मैंने गर्म कर लिया पानी, राइस मैंने धुल के रख दिया था, राइस देखो हमारे फूल गए, फूल गए। अब उनको डाल देंगे गर्म पानी में। काम नंबर है पनीर का, पानी तो पक रहा है क्या? पनीर का नंबर है। बनाऊं क्या पनीर अभी? ना बनाऊं बस की बसुरिया की घड़ू तेरा हो, बस की बसुरिया पे घड़ू तेरा बेचारा। प्यारे दोस्तों हमारा उबल रहा है, इसमें हमने तेजपत्ता लौंग काली मिर्च डाल दिया है, साथ में उबल जाएंगे खुशबू अच्छी आ जाएगी, थोड़ी अच्छी आ रही है। जल्दी बनने जा रही हरी हरी हमारी मिक्स, वो मतलब राइस, राइस राजू और अब इसको गर्म गर्म कैसोल में करके और रख देंगे। अरे इसमें भेजा है, अरे मम्मी बना रही है अभी, ले जाओ ले जाओ बता दे। अब बन रही है हमारी मटर पनीर सब्जी। उसे समझने लगा है तब से कोशिश नहीं करता है, समझो मम्मी पापा थक जाते हैं, लेकिन मैं मनाऊंगी। ग्रेवी देख लेना है गाढ़ा पर, फिर पानी उस हिसाब से, ज्यादा पानी ना डलवा। तो हमारे मेहमान आ चुके हैं और अभी आधे बाकी हैं, आधे से ज़्यादा बाकी हैं, आधे आ चुके हैं और रूम में बैठे हैं। बाबा जी अकेले आए हैं अभी, इसलिए बोर हो रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गुलगुले वगैरह बनाने, और जो मार रही है आटा कचौरी का पूरी का, और मैं बना लूँ गुलगुले, तब तक उसके बाद तैयार हो जाती हूँ। तो अब तैयार हो गई हूँ, रंग लगाया था, मैंने रंग भी लगा लिया, और शाम के चिराग की तैयारी यानी कि आरती की तैयारी, और बाकी के मेहमान भी अभी नहीं आए हैं। और अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, राधे राधे।